हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लाइमेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं जलवायु। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी की या हायर लेवल्स की, अगर जियोग्राफी के क्वेश्चंस होंगे तो निश्चित रूप से क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कैसा क्लाइमेट है, वेदर क्या है वहाँ की, ये सब कुछ, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन एक चर्चा का विषय है, हॉट पोटैटो है। हर जगह इसकी बात की जाती है और इसे को टैकल करने की भी बात की जाती है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। ये मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा नाम है अभिनव राज। तो जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, और बस ये पिक्चर देख कर ही आप समझ गए होंगे कि ये क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है ना बात। यानी क्या है कि ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए, बट हम पाते हैं आज के डेट में ये बंजर भूमि है जहाँ कोई भी वेजिटेशन नहीं है, और जो क्लाउड्स हैं वो रेन कराने वाले नहीं हैं, एसिड रेन्स कराने वाले हैं। यानी क्लाइमेट का इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर कितना ज़्यादा है आप सोच सकते हैं। जहाँ की वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ फूड ग्रेन्स नहीं उगेंगे, तो फिर हम खाएंगे क्या, और हमारा एग्जिस्टेंस क्या होगा अर्थ पर, सब कुछ बहुत सोचने का बात है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक पूरी तरह से एनसीईआरटी क्लास 9 पर बेस्ड है। तो क्लाइमेट का मतलब हुआ, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। अब देखिए यहाँ दो तीन इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो यहाँ क्लाइमेट की बात की गई है और एक बात की गई वेदर की। तो पहले क्लाइमेट की डिफिनीशन देख लेते हैं और फिर हम वेदर की डिफिनीशन समझेंगे, ठीक है। और किसी जगह का क्लाइमेट जो है, वहाँ का एटमोस्फियरिक कंडीशन है एक बहुत ही लंबे समय के लिए, जो कि मोर देन 30 इयर्स का होता है, 30 सालों से ज़्यादा अगर कैसा वहाँ पर वेदर है, इस पर हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अब जैसे आपसे मैं अगर पूछ दूँ कि इंडिया के कैसी क्लाइमेट है, तो आप बेहिचक बोलेंगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसूनी है या मानसून टाइप क्लाइमेट है ना। जबकि देखिए वेदर है, इसका हिंदी होता है मौसम, और ये हर पल बदलने वाला चीज है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? हर समय ये बदल जाने वाला चीज है। जैसे कि कभी धूप है बहुत ज्यादा और अगले क्षण बारिश हो सकती है, एकदम शांत शांत सा एटमॉस्फेयर है और कभी एकाएक तेजी से हवा बहने लगे, तो कहेंगे कि वेदर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस वेदर का, इस मौसम का एवरेज निकालेंगे हम 30 वर्षों तक का, रोज रोज का, और उसका जो कंक्लूजन होगा कि हाँ भाई इस क्षेत्र में गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है, इसके हिसाब से हम कंक्लूड करेंगे कि वहां की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है। तो ये देखिए क्लाइमेट हम दिखाना चाह रहे हैं कि पूरी अर्थ की है, हर जगह कुछ अलग होगा क्लाइमेट, लेकिन ये फिक्स है, हम लोग जानते हैं कि हाँ इंडिया में कैसा क्लाइमेट है और रशिया में कैसा है। जबकि ये वेदर है, हर समय चेंज होने वाली बात हो गई, ओके। अब इस पिक्चर को देखिए, जो ऊपर ब्लूइश कलर से दिखाया गया है, स्काई ब्लू, ये पोलर है। हम पोलर बोलते समझ जाते हैं ना कि हाँ ये बर्फ वाला क्षेत्र होगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी। और जो ये ब्राउन कलर से दिखाया गया है, ये ट्रॉपिकल है। तो हमारे दिमाग में ये सारे बातें आ जाती हैं कि जब ट्रॉपिकल है तो यहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, घने जंगल होंगे और बारिश बहुत ज़्यादा होती होगी। जबकि ये पोलर जो रीजन है, यहाँ पर बारिश कम होगी और यहाँ वेजिटेशन भी बहुत कम होगा। इसी तरह से बहुत कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं इस ग्राउंड पर, ठीक है। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम है, ठीक है। यानी वेदर हो या क्लाइमेट हो, ये किस चीज पर निर्भर करते हैं, तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात है, जब वेदर का एवरेज होता है क्लाइमेट, तो कहाँ से क्लाइमेट का बदल जाएगा भाई, है ना। वेदर का जो एलिमेंट है वही क्लाइमेट का भी एलिमेंट होगा लॉन्ग रन में। यानी कि टेम्परेचर हो गया तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब हो गया, विंड हो गया पवन हवा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता और प्रेसिपिटेशन जिसे वर्षा बोलते हैं, ओके। अब देखिए जैसे कि
मैं अभी यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वेस्ट दिल्ली है और ये किसी थर्सडे का है रात के 9 बजे का। तो उस समय यहाँ क्या सिचुएशन थी, हेज। यहाँ बताया जा रहा है कि टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन का मात्रा बताया गया कि बारिश कितनी परसेंटेज में है, ह्यूमिडिटी कितना है एयर में और विंड की स्पीड क्या है, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया है यहाँ पर, एक पिक्चर देखने से आप क्या कुछ नहीं कंक्लूड कर लेते हैं कि यहाँ थंडरबोल्ट गिरने वाले हैं कि नहीं गिरने वाले हैं, ओके। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं के वेदर को। अब आप ध्यान दीजिएगा, हर रोज टीवी में जो है ना मौसम का पूर्वानुमान देता है, न कि क्लाइमेट का, ओके, वेदर का फोरकास्ट होता है ना। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। होता है हमारे देश में भी, जैसे कि कुछ जो दिन होते हैं कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जून जुलाई, इधर अप्रैल से लेके गर्मी बढ़ने लगती है ना। इसी तरह से कभी हो कि बहुत ज्यादा विंडी हो, बहुत तेज हवा चले, लू जिसे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, या फिर बिल्कुल हवा नहीं बहे, काम हो, क्लाउडी हो या ब्राइट डे हो, नाइट हो, वेट हो, ड्राई हो, बहुत तरह की बात होती है। और ये 1.5-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक ऐसा हो सकता है। और फिर इसके बेसिस पर हम जो है ना बांट लेते हैं ईयर में सीजन्स को, ओके। अब देखिए, जैसे जब ठंड पड़ती है 3-4 महीने उसे विंटर सीजन बोल देते हैं, गर्मी के दिन को समर, और फिर जब बारिश होती है तो रेनी सीजन। एक आम तौर पर हम लोग बोल देते हैं 3-4 महीने के लिए भी, लेकिन जो कहेंगे कि क्लाइमेट हुआ वो 30 ईयर्स के लिए है। अब आप बात को समझिए, वेदर क्या है, हर पल चेंज होने वाला, ओके, मिनटों मिनट चेंज हो जाए। सीजन है ये उसका बड़ा चीज हो गया, बड़ा रूप हो गया, यानी सम डेज या फ्यू वीक्स या मंथ्स सीजन कहेंगे उसे। और तीसरा हो गया क्लाइमेट, ओके, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब ये बात बहुत बार रिपीट हो रही है, तो इसे बहुत कुछ हम लोग देख सकते हैं और इसकी फोरकास्टिंग की जाती है। एक मैंने बस क्लिप इंक्लूड कर दिया कि जब आप अगली बार अपने मोबाइल में देखें या फिर कभी टीवी पर देखें तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि उसमें बहुत कुछ बताया जाता है, हम बस 1-2 डायमेंशन पर ध्यान देते हैं जो हमारे काम का होता है, ओके। और ये भी बात हो गई कि जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे मॉनसून टाइप बोलते हैं, या हिंदी में बोल देते हैं मॉनसूनी। तो इसका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे इंडिया पर कि वो हम लोग देखेंगे इस पिक्चर के थ्रू। पहले देखिए, जब मॉनसून नहीं आया होता है तो ये जो माउंटेन रेंज है, देखिए किस तरह से ये सूखा पड़ा है और वेजिटेशन का नामो निशान नहीं है, कहने का मतलब बहुत कम है। और वही जब मॉनसून की बारिश हो जाती है तो यहाँ पूरी तरह से हरियाली छा गई है ना, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अब बात की जा रही है कि ये मॉनसून है, ये वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ है, तो ये अरेबिक वर्ड है, यानी अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, और वो वर्ड था मौसिम, जिसका मतलब होता है सीजन, ओके। और मौसिम वर्ड से बन गया मॉनसून। इसका सीधा सीधा मतलब है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब साल में जब हवा का दिशा बदल जाए, ऐसे फेनोमेना को मॉनसून बोलते हैं। इस पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बस, लेकिन अभी ये देखिए इस पिक्चर को। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है विंटर, यानी जब जाड़े का समय है तो हवा का डायरेक्शन देखिए, लैंड मास से वाटर बॉडी की तरफ ये हवा इस तरह से अग्रसर है, मतलब क्या हो रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। और जबकि ये जब गर्मी का टाइम है तो विंड का डायरेक्शन देखिए यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ लैंड मास की तरफ वाटर बॉडी से ये जाने लगे विंड्स। और अपने साथ क्या होता है ना कि ये मॉइस्चर लेडेंट होते हैं, मतलब ये समुद्र का जो मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इधर आके लैंड मास पर गिरा देते हैं, बारिश करा देते हैं, है ना। ये पिक्चर आपने देख ही लिया कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है मानसून का इंडियन क्लाइमेट पर। अब बात की जाए कि समर में जो सीजन है, गर्मी का समय, तो ये मरकरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट।
मरकरी का मतलब है यहाँ तापमान से, टेम्परेचर से, कि गर्मी के दिन में राजस्थान का जो टेम्परेचर है कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस टच कर जाता है, और 2014 में तो एक बार 51 डिग्री सेल्सियस भी चला गया था। और जबकि क्या होगा कि उस समय जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस रही होगी टेम्परेचर। नाइट टाइम में अगर बात की जाए तो टेम्परेचर जो जम्मू एंड कश्मीर में द्रास एरिया है, द्रास रीजन, तो -45 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। कितना कम आप सोच सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना जो पानी बर्फ बन जाता है, और ये -45 डिग्री सेल्सियस। ओके, और केरला का जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ का टेम्परेचर गर्मी जाड़ा बरसात कभी भी एवरेज 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन है हमारे इंडिया में, इंडियन सब कंटिनेंट बोलेंगे, बस इंडिया कहना काफ़ी नहीं होगा। इस तरह से ये एक क्लिप है राजस्थान का, जब ये रिवर है वहाँ की ड्राई हो जाती है और लोगों को खाने के लिए भी दिक्कतें आने लगती हैं, ऐसे टाइम्स हो जाते हैं गर्मियों के दिन में। ओके, अब जो जगह आए थे उन्हें हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहलगाम आया था, द्रास आया था, तो ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जम्मू एंड कश्मीर का कंप्लीट मैप है, यानी ये रीजन जो कि इंडिया का अपना हिस्सा है, ओके, इसको भी इंक्लूड करके। तो यहाँ देखिए जो श्रीनगर है, और श्रीनगर से अगर हम ईस्ट में देखें तो इस डॉट को मैंने दिखाया यहाँ पर, ये गुलमर्ग है, और यहाँ देखिए यहाँ कारगिल है, ठीक है। और कारगिल से ये देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप बोल सकते हैं, यहाँ पर द्रास है। इन जगहों पर भी हमारे सैनिक हैं, वीर जवान यहाँ ठंडे के रातों में, जाड़े में यहाँ अपनी ड्यूटी देते हैं ताकि हम सेफली अपने घरों में रह सकें। कितना हार्ड होता होगा माइनस टेम्परेचर जब होती है वहाँ पर रहना, सोच सकते हैं आप। ओके, अब ये देखिए इस जगह पर तिरुवनंतपुरम है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, स्टिल मैं दिखाते रहता हूँ। और इस तरह से भी आप ध्यान दीजिएगा कि हाँ ये न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली से साउथ वार्ड करीब अगर हम जाते हैं तो करीब करीब न्यू दिल्ली के ही ये लॉन्गिट्यूड पर पड़ सकता है, या हल्का सा उसे वेस्ट वार्ड है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आप कह देंगे कि हाँ ये पटना के नीचे है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। और यहाँ पर ये द्रास है, इसे तो मैंने दिखा ही रखा है आपको। ओके, और ये जैसलमेर है जो कि अपनी टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है। क्या होता है यहाँ पर थार डेजर्ट में, मतलब वही जो जैसलमेर का एरिया है, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो थार डेजर्ट है यहाँ पर, तो दिन के समय में यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और उसी रात को ना टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस आ जाती है। यानी दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसको बोलते हैं डायोर्नल टेम्परेचर डिफरेंस, यानी दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस को कहते हैं। लेकिन अब यही अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात की जाए या फिर केरला की बात की जाए, तो यहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में कोई आपको विशेष डिफरेंस नहीं नजर आएगा। अब जैसे यहाँ बहुत तरह के ग्राफ्स दिखाए गए हैं, तो ये देखिए ये क्या है कि जब दिन के टाइम में होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशंस आते हैं जिसे इंसोलेशन बोलते हैं, और इंसोलेशन का फुल फॉर्म होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। तो ये दिन में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एटमॉस्फेयर की और साथ ही साथ पूरे इस रीजन की, लेकिन रात के टाइम जब अर्थ अपनी एनर्जी रिलीज करती है तो वापस से ये ठंडा होने लगता है, इसलिए ये टेम्परेचर में हम वेरिएशन देखते हैं। ओके, देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन द अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो ये वेरिएशंस होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं, और साथ ही साथ जैसे जो प्रेसिपिटेशन है इसके भी फॉर्म्स में होता है, मतलब इसके रूप में। जैसे ये बारिश तो हम बोल दिए कि हाँ बारिश हो रही है, उसे रेन बोलते हैं। इसी तरह से हिल स्टेशंस और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के रीजन में क्या होता है, स्नोफॉल भी होता है, कहीं पर स्लीट गिरते हैं और हेल भी होता है। तो तरह तरह की ये चीज़ें हैं, सारे प्रेसिपिटेशंस के ही फॉर्म हैं। तो जहाँ वेदर के साथ, क्लाइमेट के साथ, सीजन के वेरिएशन के साथ
टाइप और फॉर्म्स जो प्रेसिपिटेशन का बदलता है, साथ ही साथ कितना अमाउंट में बारिश हो रही है, ये सब कुछ निर्भर करता है। वाइल्ड प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री। तो पूरे भारत में करीब करीब हर जगह बारिश होती है, लेकिन जो अपर रीच है हिमालयाज का, वहां पर स्नोफॉल होता है। ठीक है, अब देखिए ये हेल है। ओके, ये देखने में आपको एक की तरह दिख रहे हैं, लेकिन ये बर्फ के गोले हैं जो कभी कभी गिरते हैं, और ये स्लीट होती है। स्लीट क्या होती है कि बारिश होती है, लेकिन नीचे में जब टेम्परेचर कम होता है तो ये बारिश की जो बूंदे हैं ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है, और इस तरह से ये आके ग्राउंड लेवल पर डिपोजिट हो जाती है। ओके, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये कहीं का स्लीट का पिक्चर है। ओके, अब प्रेसिपिटेशन में कितना ज्यादा इंडिया में वेरिएशन है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है एक साल में, जो कि लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में बस 10 सेंटीमीटर तक बारिश होना भी मुश्किल हो जाता है। ओके, इसके साथ साथ ये अब आपको बताना होगा कि ये जो मेघालय में जगह है जहां इतनी ज्यादा बारिश होती है, वो कौन सा जगह है। ओके, सॉरी मैं यहां पर कुछ गलत बोल गया, ये प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन है ना कि प्रेसिपिटेशन है, यानी मेघालय में किसी साल 1200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और किसी साल 800 सेंटीमीटर ही बारिश होगी, ऐसा होता है। तो क्या कहेंगे कि वहां पर 400 सेंटीमीटर का वेरिएशन होता है, जबकि लद्दाख रीजन में या फिर वेस्टर्न राजस्थान में इतनी कम बारिश होती है कि उसका एनुअल डिफरेंस भी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होना इम्पॉसिबल है, काइंड ऑफ। अब आप ये बता दीजिए मेघालय में वो कौन सा जगह है जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है, इंडिया का और वर्ल्ड का वो वेटेस्ट प्लेस है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी जून के महीने से लेकर सितंबर तक पूरे देश में करीब करीब बारिश हो जाती है, लेकिन कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए जैसे कि जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है, तो यहां पर बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के टाइम में। ठीक है, इसे बोलते हैं लौटती हुई मॉनसून से जो बारिश होती है तमिलनाडु में होती है, इसे इंग्लिश में रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं। रिट्रीट का मतलब ही होता है लौटना। अब एक ये इमेज देखिए, ये विकिपीडिया से लिया गया है, ये बता रहा है यहां पर इंडिया एनुअल एवरेज रेनफॉल मैप, जो जितना ज्यादा डार्क है रीजन वहां उतना ज्यादा बारिश का दिखाया गया है ये रीजन। अब देखिए ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ देखिए कितना ज्यादा ये डार्क है, केरला कर्नाटक इस तरह से गोवा और महाराष्ट्र में ये रीजन है ना, यानी यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन उसके इंटरमीडिएट ये रीजन है यहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो कारण क्या है कि यहाँ इतना कम क्षेत्र में इतना ज्यादा रेनफॉल में वेरिएशन हो जाए। अब जैसे ये मुंबई है और यहाँ पड़ेगा पुणे, दोनों जगहों के रेनफॉल में बहुत ज्यादा अंतर है, आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। और कारण बस ये है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, जो कि यहाँ से बारिश वाले हवा आते हैं, यहाँ टकराते हैं इन माउंटेन से सह्याद्री और यहाँ बारिश करा देते हैं, उसके बाद ये ड्राई हो जाते हैं और इस क्षेत्र में बारिश उतनी नहीं करा पाते हैं। साथ ही साथ ये देखिए मेघालय का रीजन, इसकी कैपिटल शिलोंग है, तो यहाँ पर ये डार्कर ब्लू है, जबकि ये राजस्थान का जो वेस्टर्न हिस्सा है ये वाली, इंक्लूडिंग ये पाकिस्तान का जो थार डेजर्ट है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट व्हाइट है। मतलब क्या कि 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है साल में। साथ ही साथ ये रीजन देखिए यहाँ पर है ना, यानी इतना ज्यादा वेरिएशन है रेनफॉल में। अब आगे की बात देखते हैं, इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन, यानी जो कोस्टल एरिया है, सॉरी थोड़ा पावर पॉइंट गड़बड़ हो रहा है, जैसे ये कोस्टल एरिया है यहां से लेके यहां तक, तो आप एक बात देखेंगे कि यहाँ का जो सब कुछ करीब करीब सेम होता है, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं नजर आएगा सीजन्स में, जबकि जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट हैं वो ज्यादा नजर आएंगे इंटीरियर रीजन्स में। जैसे जो लोग दिल्ली के रीजन में रहते हैं वो जानते हैं कि दिल्ली में गर्मी भी उतना ही पड़ती है, सर्दी भी उतना ही होती है, और बारिश जब होती है तो बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है,
लेकिन इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। अब एक और बात जो ध्यान देने वाली है कि रेनफॉल जो है ना ईस्ट से वेस्ट की तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स में घटती है। ओके, जैसे ये देखिए यहाँ पर जो कलर है ये ईस्ट हुआ ना और ये हुआ वेस्ट, ये नॉर्दर्न प्लेन कहलाएगा, कोई शक? अब देखिए जब हम यहाँ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन में कमी आ रही है। देखिए ये डार्क कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ फेंट होते 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 ये राजस्थान के वेस्टर्न हिस्सा में ऑलमोस्ट व्हाइट हो जा रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ईस्ट से वेस्ट की तरफ प्रेसिपिटेशन में कमी आती है। ये आपसे बहुत तरह से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगली जो बात है, दीज वेरिएशंस गिव राइज टू वेराइटी ऑफ लाइफ्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लॉथ दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ द हाउसेस दे लिव इन। यानी कि हम समझ सकते हैं कि क्लाइमेट का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है लाइफ स्टाइल पर, यानी लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, सब कुछ पर। आप खुद देख लीजिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स का ये रीजन है और ये बिहार यूपी का जोन है, यहाँ के लोगों का स्टेपल डाइट है राइस और व्हीट, जबकि यही राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ कोर्सर ग्रेन्स की ज्यादा कंजम्पशन है। घरों के पैटर्न्स में, कपड़ों के पैटर्न्स में सब कुछ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ये देखिए, ये थार डेजर्ट का एक घर है, तो यहाँ पर ये इसका जो छत है ये फूस का बना हुआ है। क्यों? यहाँ तो बारिश होनी नहीं है कि ये पानी इसमें अंदर घुसेगा, बारिश बहुत कम होती है। और दूसरा ये कारण है कि एक तरह से ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं जाने देगा। इसी तरह से ये साइलेंट स्लोप वाले घर होते हैं माउंटेन एरिया में जहाँ ज़्यादा स्नोफॉल होता है। अगर ये फ्लैट होते तो क्या होता कि बर्फ की लेयर बनते बनते बहुत ज़्यादा ये हैवी हो जाएगा और फिर ये डिमोलिश होने का डर रहेगा। तो तरह तरह से आप देख सके कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट का लोगों के लाइफ स्टाइल पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हम देखेंगे कि क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं क्लाइमेट को, है ना। इस तरह से और भी हम बहुत कुछ डील करने वाले हैं आगे, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई कंप्लेंट्स हों या कोई आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बता दिया तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर साइट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।